नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को उनके राजतिलक के समय उनके राज्य में सुख समृद्धि लाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए थे, जो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तु के अनुसार हमारे घर के अंदर मौजूद हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है तो कुछ नकारात्मक, लेकिन इनका संतुलन बना होना आवश्यक है। अधिक नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में क्लेश बढ़ता है और इसका असर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण उसकी उन्नति रुक जाती है और व्यक्ति कई सारी परेशानियों से जूझता है। अगर कोई वस्तु उसके सही स्थान और सही दिशा में न रखी जाए तो वो वस्तु नकारात्मक ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिसका असर मनुष्य पर पड़ता है। और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हर एक वस्तु में वाइब्रेशन होता है, जिसका असर आसपास की चीजों पर पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने एवं भगवानों के अवतारों ने जो ज्ञान दिया है वो पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को पांच ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया है कि इन पांच चीजों के घर पर होने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भरपूर मात्रा में प्रवाहित होती रहती है, जिससे घर में रहने वाले लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी धन रूप में सदैव निवास करना पसंद करती है। तो आइए आपको बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कौन से वास्तु नियम बताए थे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य जैसे पंचतत्व हो, वहां पर वास्तु दोष की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती। पहला वास्तु नियम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पानी की उचित व्यवस्था की जाती है वहां सदैव सुख समृद्धि वास करती है। पानी की व्यवस्था घर के उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। जिस घर के द्वार पर आया हुआ प्रत्येक याचक इस दिशा में रखा हुआ पानी पीकर जाता है तो उस घर में रहने वाले सदस्यों पर ईश्वर की कृपा सदैव बरसती है। इसलिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान दिशा में पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य करें। इस दिशा में रखे जल पर ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव होता है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में चंदन का होना बड़ा ही शुभ माना गया है। आप घर के मंदिर में चंदन की लकड़ी, चंदन की माला या चंदन की अगरबत्ती कुछ भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हजारों सांपों के लिपटने के बाद भी चंदन हमेशा पवित्र रहेगा, इसकी सुगंध कभी कम नहीं होगी। चंदन घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है, साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। जिस घर में हमेशा चंदन की खुशबू महकती रहती है वहीं पर देवी देवताओं का सदा निवास रहता है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर में गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करने से बहुत लाभ होता है, इसलिए मनुष्य को घी का प्रयोग अपने भोजन में या दीपक जलाने में अवश्य करना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि घर के अंदर घी कभी समाप्त ना हो। साथ ही तुलसी के नीचे रोज घी का दीपक जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। चौथी बात, घर में शहद का होना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। युधिष्ठिर को सुख और समृद्धि के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न सिर्फ अपनी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि इससे घर का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल सर्वोपरि माना गया है। पांचवी बात, माँ सरस्वती को वीणा वादिनी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह माँ सरस्वती कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान होती है, उसी प्रकार से माँ सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्धनता से दूर रखता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध रखता है। इसलिए
माँ सरस्वती की तस्वीर या पारद की मूर्ति घर में अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो पांच वास्तु नियम जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।